नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक ब्लॉग पर। क्रोटन एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसे कम्प्लीटली इंडोर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप इसको सेमी शेड में रखते हैं जहां पर सूर्य की इनडायरेक्ट सनलाइट आती है सन, वहां पर ये पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता है, काफ़ी निखर के आता है ये। अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे होंगे और यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत अच्छे से देखिए इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आई हुई है। मैंने इनको ऐसी जगह पर प्लेस किया हुआ है जहाँ पर मॉर्निंग की लगभग 2-3 घंटे की सनलाइट इनके ऊपर पड़ जाती है और उसके बाद ये पूरे दिन शेड में रहते हैं। ऐसी जगह पर ये पौधे बहुत अच्छा ना कि ग्रो करते हैं बल्कि इनके पत्तों के अंदर जो कलर टेक्सचर है वो भी खूब अच्छे से निकल के आता है। सिर्फ इतनी चीज़ों का ही नहीं, हमें मिट्टी का भी ध्यान देना होता है। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो मॉइस्चर को होल्ड भी करे और ड्रेनेज भी अच्छा बना कर रखे। इसलिए एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा कोकोपीट, चारों की बराबर मात्रा लेकर हमको मिट्टी को तैयार करना चाहिए। वहीं पर हमें साल भर में 2 बार इनको वर्मी कंपोस्ट एक एक मुट्ठी इनके पॉट में डालना है और लिक्विड फर्टिलाइजर जब भी आप बनाइए समय समय से अपने पौधों को देते रहिए। इतनी चीज़ें करने के बाद आप अपने पौधों के अंदर पानी मिट्टी को चेक करके दीजिए। पानी अगर आप समय समय पर मिट्टी को चेक करके देते रहेंगे तो आपका ये पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, ये पौधा थोड़ा एनवायरमेंटल सेटल प्लांट होता है, एटमॉस्फेयर सेटल प्लांट होता है। इसको जहाँ पर आप उठा कर रख देंगे वहाँ के वातावरण के साथ इसका सामंजस्य बन जाता है और जब आप इसको बार बार इसकी लोकेशंस को चेंज करते रहते हैं तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि इसके पत्ते येलो होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास इनकी कई सारी वैरायटीज़ हैं, आज इनकी कुछ वैरायटीज़ की कटिंग्स मुझे लगानी है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी जो है इस वीडियो को शेयर किया जाए। यहाँ पर मैंने कटिंग लगाने के लिए ये जो सबसे पहले जिस कटर का मैं यूज कर रहा हूँ इसे मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड से अच्छे से वाश कर लिया है और वो कटिंग हम लेंगे। सेमी हार्ड कटिंग इसकी लगती है जिसकी मतलब जो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना बहुत ज़्यादा हार्ड, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर बहुत सॉफ्ट कटिंग लेंगे तो वो भी आसानी से नहीं चलेगी और अगर बहुत हार्ड कटिंग लगाएंगे तो वो भी बहुत आसानी के साथ नहीं चलेगी। तो देखिए मैंने एक कटिंग इस वाले से ले ली, त्रिशूल गोल्डन डस्ट इसको बोलते हैं, और इसमें नीचे से भी एक कटिंग निकालेंगे। ये 2 कटिंग इसकी हो गई। उसके बाद हम अपने गोल्डन डस्ट क्रोटन से कटिंग लेंगे। एक कटिंग यहाँ से ले लेते हैं। कटिंग लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपका प्लांट बुशी भी हो जाता है और आपके पास नए पौधे भी तैयार हो जाते हैं। देखिए इसी तरीके से मैंने अपने इस पौधे को तैयार किया है, इसको तैयार किया, यहाँ तक कि इसको भी मैंने पार्क से छोटी सी कटिंग ली थी तो ये भी मेरे पास रह गया था। और अब इस वाले से भी एक कटिंग ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ अगर मेरी कटिंग्स लग जाएंगी तो मैं अपने स्कूल में ले जाके इनको लगाऊंगा। तो इतनी सारी कटिंग्स ले ली और कटिंग लगाने के लिए जो सॉइल मीडिया है प्योर कोकोपीट का है जिसके अंदर अच्छा मॉइस्चर भी होल्ड होता है। ऐसा मीडिया नहीं यूज करना है जो मॉइस्चर आसानी के साथ जो है कभी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रखे और कभी बहुत तेज़ी के साथ रिमूव कर दे। अभी नीचे के जितने पत्ते हैं इन सबके मैं हटा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए सारी कटिंग के नीचे से मैंने पत्ते ये हटा दिए हैं। पत्ते रहने पर होता क्या है कि हालांकि रूटिंग इनके अंदर यहाँ नीचे से होती है, बिल्कुल नीचे वाले पार्ट से इसमें जड़ें निकलती हैं, लेकिन पत्ते रहेंगे तो अंदर वो सड़ेंगे ज़रूर और अगर वो सड़ेंगे तो इससे मेरी कटिंग्स में के रॉट होने की संभावना बन जाती है। उसके बाद ये मैंने हल्दी ले रखी है। अगर आप हल्दी की जगह पे एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब एलोवेरा की जो ताज़ी पत्तियाँ होती हैं उनके जेल का, तो वो भी एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है और साथ ही साथ हमारी कटिंग को फंगस लगने से भी बचाता है। और हल्दी भी सेम वर्क करती है, ये दोनों ही नेचुरल रूटिंग हार्मोन्स हैं। तो यहाँ पर इसको रख देते हैं और उसके बाद कटिंग्स को इसके अंदर डिप कर करके लगाना शुरू करते हैं। निचला पार्ट जो इनका है इसी के अंदर इनको डिप करेंगे और लगभग सारी कटिंग्स को हम 1.5 से 2 इंच अंदर तक लगाएंगे।
अब देखना ये होगा कि इनमें से कितनी कटिंग्स सर्वाइव करती हैं, कितनी ख़राब होती हैं। हालांकि मेरा क्रोटन का रिकॉर्ड रहा है गोल्डन डस्ट कि जब जब मैंने इसकी कटिंग लगाई हैं तो 100% इसकी कटिंग्स जो है वो सक्सेसफुल हुई हैं। अभी थोड़ा से अक्टूबर का समय चल रहा है, इस बार मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन मे भी हो सकता है कि सक्सेसफुल हो जाएं ये सारी की सारी कटिंग्स। इसमें मैंने ऑलरेडी देखिए जो है आपका एग्लोनीमा लगा रखा है पहले से, तो देखिए ये सारी कटिंग्स लग गई। पता नहीं बीच में मेरा ध्यान नहीं गया अच्छे से वीडियो आई कि नहीं आई। अब थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल ऐसे पानी कि मतलब ज़्यादा पानी नहीं देना है, ऑलरेडी ये इसमें नमी बहुत अच्छे से रहती है। तो ये देखिए कटिंग्स लग गई। अच्छा, अब इनको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ इनके ऊपर बिल्कुल भी धूप ना पड़े, सिर्फ सूर्य का की इनडायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर पड़ती रहे। तो चलिए उठाकर इनको प्लेस कर देते हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ इनका रिजल्ट भी शेयर करेंगे। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।